ये हम है, ये हमारी बच्चा पार्टी है और घुमाई हो रही है। बच्चा पार्टी वैसा भी नहीं। जो पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, टॉप पे हमें जाना उधर है, वो गुरपा की पहाड़ियाँ हैं। ऊपर तक पहुँचने के लिए 1680 सीढ़ी चढ़ना है। कितनी सीढ़ियाँ? 1680 सीढ़ियाँ। देखते हैं पहुँच पाते हैं या नहीं। यहाँ से जो दरअसल गुरपा की जो चढ़ाई है, गुरपा का जो ट्रैक है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और कोई 1680, कोई 1700, कोई 1700 से भी अधिक कह रहा है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं और अब चढ़ाई यहाँ से दरअसल शुरू हुई है। और ये तमाम बच्चा गैंग है यहाँ पर पार्टी, और ये लोग तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इसे रोज का इनका काम हो। और ये वीडियो में आप जनता को देख सकते हैं, जो सिर्फ 100 सीढ़ी चढ़ के हालत खराब है। हमारे सामने ये जो बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, ये यही रहते हैं, इनका डेली का काम है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना। और हम लोग थक चुके हैं, हमारी सांसें उखड़ चुकी हैं, बच्चों को भी फर्क भी नहीं पड़ रहा है। लड़का रणवीर सिंह है, पूरा हीरो। चलो बात नहीं करेगा, सिर्फ प्यारी से स्माइल देते रहते हैं। लगभग हम चढ़ चुके हैं, अगर कैमरा में आपको दिख रहा है थोड़ी सी जगह बची है अब चढ़ने के लिए, लेकिन हालत हमारी खराब हो चुकी है। ये जो साथ में बच्चे बैठे हैं, इनका ये हाथ उठ काम है और इनकी सांसें ना बिल्कुल नहीं उखड़ी है, और मेरी और स्नेहा जी की हालत खराब है। स्नेहा जी को घूमने का बड़ा शौक है और स्नेहा जी ने अभी एक बहुत ही शानदार लाइन बोली है। थोड़ी से पूछते हो लाइन क्या थी? लाइन ऐसी थी कि मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जो कैटरीना कैफ बुलेट चला के आती है। मुझे गाड़ी चलाना तो आता ही बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे लगता था एक दिन मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है मैं कल की कोचलिन होके रॉक चिक करती रहूं, यही ज्यादा बेस्ट, क्योंकि चढ़ने की क्षमता नहीं है। और ये जो बच्ची आपको दिख रही है कैमरा में, लिटरली इसने मेरा हाथ पकड़ के खींच खींच के चढ़ाया है मुझे। मैं जहाँ भी थकती हूँ ये मेरा हाथ पकड़ लेती है खुद से कि नहीं अभी चढ़ना है। और ये है मोहन प्यारे, जो कि स्माइल तो कमाल के देते लेकिन बात नहीं करते, सिर्फ हंसते हैं। और ये इस तरीके से सिंगल हैंडेडली सिर्फ एक आदमी, और वो बहुत मोटा ताजा होगा तो नहीं चढ़ सकता। ऐसे जैसे आपको बिल्कुल बचते बचाते ये पूरा अंधेरा, मत कहो सोलह सौ अस्सी सीढ़ियां चढ़ने के बाद नजारा कुछ ऐसा होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे गिरी स्तूपा कहते हैं, जिसमें चारों तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और गुरपा पहाड़ी को कुकुटपदा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी ऊंचाई पे ये जगह है, चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। और आने का सही समय यहाँ पे सुबह का ही होगा, क्योंकि सुबह अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सुंदर नज़ारा अभी भी सुंदर है, लेकिन धूप होने की वजह से शायद थोड़ी परेशानी हो, लेकिन सुबह के टाइम ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता हो। तो बौद्ध गया से हम यहाँ आए हैं, और बौद्ध गया से बाकी रास्ता तो ठीक है, लेकिन गुरपा तक आने की और पहाड़ी तक आने का रास्ता वैसे बहुत खराब है।
एकदम कच्ची सड़क है जिससे होके आना था और फिर पहाड़ी वाला एरिया तय करना है। सिर्फ सड़क ही नहीं, मतलब मुझे लगता है जरूरत की कोई भी चीज़ नहीं, अगर आप कहीं पे पानी ढूंढे वो भी आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से लेके आनी होगी। यहाँ पे बस जगह खूबसूरत है, तो ट्रेन से आप गया आ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ गुरपा पहाड़ी पे आना है और इस जगह को देखना है, तो गया से ये जगह 45 किलोमीटर की दूरी पे और बोध गया से 60 किलोमीटर की दूरी पे। तो गुरपा मतलब इस पास में स्टेशन भी है गुरपा स्टेशन, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि यहाँ पे पहाड़ी के आसपास आने के लिए आपको कोई लोकल गाड़ी करनी होगी, अपनी गाड़ी से आएंगे तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। और काफ़ी दूरी फिर आपको जंगल वाले एरिया में गाड़ी छोड़ के और फिर पैदल ही आना। अभी लोगों की ट्रिप, थरथराते पैर, उखड़ते पांव और सांसें, और इस तरीके से सभी लोगों की ट्रिप जो है यहाँ खत्म हो रही है। और एक चीज इसमें, मतलब हम लोग जूता और पता नहीं बहुत सारे कंफर्ट के साथ आए थे, ये बच्चों के ना पैर कांप रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोगों के पास ना चप्पल भी नहीं है। इधर आना, ये बच्चा पूरा 1680 सीढ़ी ऐसे चढ़ा और उतरा भी है और इसके पैर भी नहीं कांप रहे हैं।